कन्नड़ शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन वितरित किया गया। कन्या माध्यमिक विद्यालय कन्नड़ की छात्राओं को 23 दिसंबर बुधवार को विद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से वितरण किया गया। कन्या हायर सेकेंडरी प्राचार्य वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने उपस्थित छात्र छात्राओं को योजना के बारे में तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर मार्गदर्शन दिया। जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित एल्डरमैन पार्षद योगेश शर्मा ने भी संबोधित करते हुए मध्याह्न भोजन योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे कुपोषण से लड़ने में सहायक बताया। भाजपा किसान मोर्चा के दयाराम खजूरिया उपस्थित थे। कार्यक्रम में पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष रतनलाल राठौर भी उपस्थित थे। विद्यालय के अन्य शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक रमेश चंद्र राठौर ने किया। सर, क्या कार्यक्रम था स्कूल में? आज कक्षा छठी से आठ तक के जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, कोविड के कारण विद्यालय अभी बंद हैं। मध्याह्न भोजन जो बच्चों को विद्यालय में उपलब्ध कराया जाता था, उसका सूखा मध्याह्न भोजन का राशन आज वितरण किया जाना था, ताकि बच्चे जो है घर पर बैठ करके पौष्टिक भोजन कर सके। वरिष्ठ कार्यालय से दाल और तेल प्राप्त हुआ था, उसका वितरण किया गया। साथ में गेहूं और चावल जो सोसाइटी से प्राप्त होता है, उसका भी वितरण किया जाता है। अभी कंटिन्यू हो रहा है सर ये वितरण? हाँ, ये राशन जो है सूखा, जो वरिष्ठ कार्यालय से तेल और दाल 3 माह का प्राप्त हुआ है, वो आज वितरण किया गया। हाँ, 3 माह का वो आज वितरण किया गया। साथ ही जो गेहूं चावल है वो प्राप्त होने पर प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है।